ये कानपुर के रास्ते हैं भाई साहब, कानपुर के रास्ते। चलने वालों की तो रूह भी चलानी है। Hey guys, welcome back to another video. बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, अप्रॉक्स हो चुके हैं दो महीने हो चुके हैं कंटिन्यूसली देखा जाए तो 2 महीने, वरना 1 महीने अप्रॉक्स हो चुका है, मैंने रिसेंट वीडियो डाली थी। बट यहाँ पे सिनेरियो क्या हो रखा है, आज है मौसम और आज है, बट आज का मौसम देख सकते हो एकदम मस्त है। शाम के बजे अभी 4:43 और फिलहाल अभी इसकॉन के सामने देख सकते हो कितनी भीड़ है। और ये कुछ रास्ते हैं, भीगे भीगे से बूंदे गिर रही हैं, मौसम एक नंबर का हो रखा है। और काफ़ी दिनों बाद मोटर ब्लॉग कर रहा हूँ अपने इस वाली बाइक पे, क्योंकि एक्चुअली में हम कुछ बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने पर्सनल कुछ काम से, मतलब आने वाले समय बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे किस काम से हम बिजी थे और ऐसा क्या चल रहा है जो हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं अपने चैनल के लिए। एक्चुअली में टेक चैनल भी खाली पड़ा हुआ, उस पर भी कोई कंटेंट नहीं अपलोड हो रहा है, बट यहाँ पे हम डालेंगे मोटो ब्लॉग और अभी चेहरा भी दिखाएंगे, मतलब कैसे हो गए हैं, कैसे थे, मतलब समय के साथ आदमी 2-2 महीने में 1-1 महीने बदल जाता है। और देख सकते हो यहाँ पे बारिश के बाद इतना जाम रास्ते में, इतना जाम मिलता है और इस रास्ते में ज़्यादा मिलता है, भैंस वगैरह मिल जाती हैं। ये मैनावती मार्ग है और गए थे कुछ बिठूर घूमने किसी काम से, बारिश भी थी और काम भी था, तो हम काम और दो एक पंथ दो काज करते हैं ना। तो आज की वीडियो में क्या मिलेगा, थोड़ा सा कंटेंट मिलेगा चस्का। और देख सकते हो रास्ते बहुत ही मस्त हैं, धूल उड़ नहीं रही है और मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, पसीना निकल नहीं रहा है, तो इसलिए बाइक चलाने की जो फील है ना एक नंबर वाली है। और एक्चुअली में कानपुर में बारिश 4 दिनों से हो रही है लगातार नहीं हो रही है, 3-4 घंटे रुकती है, 3-4 घंटे बारिश होती है, मतलब ऐसे ही चल रहा है, ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म। तो बारिश के मौसम में जितना भी चटपटा आइटम होता है, मतलब बोलते नहीं है उसको क्या बोलते हैं, फास्ट फूड जितने भी होते हैं कानपुर में, गंगा बराज में इस समय एक नंबर की वाली भीड़ होगी, क्योंकि गंगा बराज पे जो बारिश में पानी देखने का मज़ा है ना वो कहीं और नहीं मिलता है, इसलिए गंगा बराज में भर भर की भीड़ होगी इस समय इस टाइम में। और रास्ते बारिश में ख़राब हो जाते हैं, एक्चुअली में बारिश रास्ते जो रास्ते होते हैं ना बारिश की वजह से ख़राब होते हैं, गड्ढों में पानी नहीं भर जाते हैं, तो इसलिए इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। और कुछ है PWD वाले और नगर निगम वाले जिनकी वजह से रास्ते ख़राब होते हैं, जानबूझ कर वो लोग खोद के चले जाते हैं, मतलब समझ रहे हो, तो ऐसा कुछ है। और अभी सुबह मैं निकल रहा था, गुरुदेवों में एक रास्ता था, मतलब वहाँ लिटरली मैं गिरते गिरते बचा था, वो भी दिखाऊंगा। और ये देख सकते हो नज़ारा भाई साहब, क्या नज़ारा है, मतलब हवा भी मज़ा आ रही है। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई, मतलब इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे शादी वगैरह भी हो गई है, बताया भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ है। तो हाँ भाई, 6-7 महीने हो चुके हैं शादी के, मेरे शादी हुई थी नवंबर में और आज तक भी ना अपनी वाइफ का फेस रिवील किया ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं डाला कि मतलब इंस्टा पे फ़ोटो वगैरह पड़ी होगी, तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे देख सकते हो किससे शादी की मेरी, मतलब किससे शादी हुई है मेरी। और मतलब आएंगे कभी उसको, मतलब उसको लाएंगे अपने चैनल पे, अपनी वाइफ को लाऊंगा चैनल पे दिखाऊंगा, और आपको भी समझ में आएगा मतलब कि कंटेंट, और उसका भी चैनल है एक्चुअल में, मतलब चैनल उसका भी है, मैंने उसका भी चैनल बना दिया उसका भी, तो उसको भी दिखाएंगे आपको चैनल कैसा क्या है। और समय होते ही बहुत जल्द मतलब सारी चीज़ें आएंगी, हमारा जो कुछ बिजनेस का सेटअप चल रहा है ना वो सेट हो जाए तो आपको कंटेंट ही कंटेंट मिलने वाला है, मतलब आज से कुछ दिनों बाद, मतलब 1 महीने बाद आपको कंटेंट मिलेगा, क्योंकि मैं जिस काम में लगा हूँ ना वो थोड़ा सा मेरा काम एकदम लगातार हो जाए, कंटिन्यूसली हो जाए, कि मतलब डेली उसमें कुछ करना ना पड़े ज़्यादा। और वो काम अभी चल रहा है 1 महीने से, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है एक्चुअल में, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करो ना स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा लगती है और फिर उसके बाद मूड सही हो जाता है, मतलब मूड क्या सिस्टम बन जाता है, हर चीज़ अपने आप से होने लगती है। तो यूट्यूब तो पैसा दे नहीं रहा, यूट्यूब से कमाई हो नहीं रही, तो बिजनेस डालना ही पड़ेगा, तो तुम्हारे भाई ने नया बिजनेस डाला है, किस चीज़ का डाला है वो आते समय आते हम आपको बताएंगे, और मैं उससे कितनी अर्निंग कर रहा हूँ, मतलब छोटी छोटी सी बातें सब कुछ बताऊँगा। एंड कैमरे में पानी पड़ चुका है,
इसको साफ करते हैं।